बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 चालू है और लगता है कि हमारी प्यारी पृथ्वी को भी मेडल्स की तलब है। खैर, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी प्यारी पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमते हुए कुछ ज्यादा ही तेज निकल चुकी और अपने सारे पुराने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए हमारी पृथ्वी ने एक नया रिकॉर्ड तैयार किया, सबसे छोटे दिन का रिकॉर्ड। तो आखिर राज क्या है हमारी प्यारी पृथ्वी के इतने तेज घूमने के पीछे? तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे बेहतर मौका और कब मिलेगा। उस प्यारे से छोटे से लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके समीप वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा जारी की गई गैलेक्टिक तस्वीरों ने दुनिया को आकाश गंगाओं के अंधेरे में छिपी कहानी या रहस्यों के बारे में बताया। 29 जुलाई 2022 को पृथ्वी ने खुद के ही बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पृथ्वी, जो कि आमतौर पर एक दिन 24 घंटे में पूरा करती है, उस दिन शायद एड्रेनलिन रश में थी। उसने अपने शिफ्ट को, जो कि 24 घंटे की होती है, 1.59 मिलीसेकंड पहले ही पूरा कर लिया। अर्थात 24 घंटे का दिन 24 घंटे से कुछ 1.59 मिलीसेकंड छोटा था। ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, ये बहुत छोटी सामान्य सी बात लगती है, पर पृथ्वी, जहां करीब 7 बिलियन के आसपास लोग रहते हैं, एक छोटी से छोटी हलचल भी बहुत विनाशकारी हो सकती है। पृथ्वी अपनी चाल में ये परिवर्तन काफी समय से ला रहा है। सन 1960 के बाद से दर्ज की जा रही इन रिकॉर्डों में काफी फेरबदल हुए हैं। सन 2020 में पृथ्वी ने अपने सबसे छोटे दिन का रिकॉर्ड दर्ज किया था। 19 जुलाई 2020 को पृथ्वी ने 24 घंटे की बजाय 1.47 मिलीसेकंड पहले ही खत्म किया था। उसके अगले वर्ष 2021 में हमारी पृथ्वी अपने नॉर्मल स्पीड से थोड़ी सी अधिक स्पीड पे घूमने लगी थी, परंतु ये रिकॉर्ड 2022 में, अर्थात इसी साल 29 जुलाई को दर्ज किया गया। पृथ्वी के घूमने की अलग अलग गति का कारण अभी भी अज्ञात है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि ये पृथ्वी के इंटरनल कोर्स, ओशंस में हलचल अर्थात महासागरों की हलचलें, टाइडल फोर्सेस, टाइडल वेव्स अर्थात ज्वार, या यहाँ तक कि जलवायु में परिवर्तन अर्थात क्लाइमेटिक चेंज भी इसका एक रीजन हो सकता है। खैर, ये तो शोध का विषय है, परंतु हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि यदि पृथ्वी अपनी गति निरंतर बढ़ाता जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका प्रभाव हम इंसानों पर, सामान्य इंसानों पर अवश्य पड़ेगा। तो आइए हमें जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा अगर ये पृथ्वी अपनी गति निरंतर बढ़ाता रहता है। पृथ्वी की तेज गति से घूमना क्या हमारे लिए एक अच्छी बात है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। द इंडिपेंडेंट के अनुसार यदि हमारी पृथ्वी बढ़ती दर से घूमती रही तो ये एक नेगेटिव लीप सेकंड्स की शुरुआत का कारण बन सकता है। खैर, नेगेटिव लीप सेकंड्स क्या होते हैं और क्या ये पहले भी हो चुके हैं? एक नेगेटिव लीप सेकंड उस प्रक्रिया को कहा जाता है जहां पे पृथ्वी की बढ़ती हुई दर के साथ हमारे 24 घंटों के क्लॉक्स को रीअलाइन या तो कैलिब्रेट करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में हम 24 घंटों में से कुछ 1 या 2 सेकंड ड्रॉप कर देते हैं ताकि हमारी घड़ियां हम पृथ्वी की स्पीड के साथ मैच कर सके। नॉर्मल सिचुएशंस में 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड से हमारी घड़िया 23 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड तक अर्थात शून्य पर रीसेट हो जाती है, परंतु अगर पृथ्वी की गति तेज हो गई तो हमारी घड़िया 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड के बजाय 58 सेकंड से 60वें सेकंड तक जंप करेगी। इसे ही हम नेगेटिव लीप सेकंड्स कहते हैं, जहां पे 60वें सेकंड को अर्थात 1 सेकंड को ड्रॉप कर दिया गया है और हमारी घड़िया सीधे 58 सेकंड से 60वें सेकंड तक जंप करती है। खैर, ये सुनने में तो बहुत आसान सा साउंड करता है, पर ये हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी। हमारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो UTC अर्थात यूनिवर्सल टाइम के अकॉर्डिंग सेट होते हैं, वहां पे ये 1 सेकंड का फर्क बहुत बड़ा विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। विश्व भर में उड़ने वाली एरोप्लेन्स, बसेस, यहाँ तक कि रेलगाड़ियां भी इस घड़ी के हिसाब से चलती है। अगर इस घड़ी में जरा सा भी फेरबदल हो गया तो इसका सीधा सीधा असर इन ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म्स पे भी पड़ेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी के रोटेशनल स्पिन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है जो आपको इस ग्रह से हमेशा दूर भगाने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे कि एक तेज मेरीगो राउंड के किनारे पर बैठा एक बच्चा जो ये महसूस करता है कि वह बाहर की ओर धकेला जा रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है।
अभी के लिए हमारी गुरुत्वाकर्षण बल अधिक मजबूत है, इसलिए हम पृथ्वी पर बने हुए हैं। लेकिन अगर पृथ्वी तेजी से घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ावा मिलेगा और कभी ना कभी ये एस्केप वेलोसिटी को टच कर जाएगा, जो कि रॉकेट्स के पीछे का प्रिंसिपल है। अगर रॉकेट्स एस्केप वेलोसिटी के बराबर या उससे अधिक स्पीड से चलते हैं तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाते हैं। खैर, ऐसा ही कुछ हो सकता है अगर पृथ्वी तेज घूमने लगी तो। कंटिन्यूअस जेट लैग, एक मील प्रति घंटे की गति में वृद्धि के साथ दिन केवल 1.5 मिनट ही छोटे होंगे, जो हमारे शरीर पे इतना अधिक प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन अगर हम सामान्य से 100 मील प्रति घंटे की अधिक रफ्तार से घूमने लगते हैं तो एक दिन लगभग 22 घंटे लंबा होगा, जो कि सामान्य से 2 घंटा कम होगा। हमारे शरीर पर ये 2 घंटे बहुत अधिक प्रभाव डाल सकते हैं, जो कि डेलाइट सेविंग के समान ही होगा, जिससे कि जेटलैग जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि पृथ्वी का रोटेशन धीरे धीरे बढ़ता है तो यह वायुमंडल को अपने साथ लेके चलता है, जिससे कि दिन प्रतिदिन की हवाओं और मौसम के पैटर्न्स में कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर पृथ्वी बहुत तेज घूमने लगे तो ये मौसम के पैटर्न्स को ही बदल के रख देगा। तेज तूफानें उठेंगी और वे पूरे विश्व भर में हाहाकार मचा देंगी। अगर पृथ्वी बहुत तेज घूमने लगती है तो ये भूकंप का भी कारण बन सकते हैं। अर्थ के क्रस्ट शिफ्ट हो सकते हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल पैदा कर सकते हैं। मानो या ना मानो, पृथ्वी की गति में लगातार उतार चढ़ाव हो रहे हैं। भूकंप, सुनामी, क्लाइमेटिक चेंज और पिघलती हुई बर्फ की चादर सभी मिलीसेकंड स्तर पर स्पिन दर को बदल के रख सकते हैं। यदि कोई भूकंप जमीन का थोड़ा सा हिस्सा भी निगल लेता है तो इसका सीधा सीधा असर पृथ्वी के सर्कमफ्रेंस पे पड़ेगा। पृथ्वी का सर्कमफ्रेंस थोड़ा सा भी अगर बदल जाता है तो इसका सीधा असर पृथ्वी के रोटेशन स्पीड पे पड़ेगा, जो अंततः ये डिसाइड करेगा कि पृथ्वी की गति बढ़ेगी या कम होगी। एक बड़े रोटेशन स्पीड के साथ पृथ्वी के दिन छोटे होते जाएंगे और जैसे जैसे दिन छोटे होंगे इसका सीधा सीधा असर पृथ्वी पर बसे इंसानों पर पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ और परिजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और इस पृथ्वी को एक बेहतर जगह बनाने में हमें योगदान प्रदान करें। धन्यवाद।